एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मैं जाऊंगी मार्केट, सोचा मैंने आप लोग के साथ भी शेयर कर देती हूँ। अभी मेरा लंच बन गया है, ब्रेकफास्ट हो गया है। लंच 11 बज रहा है, तो मैंने सोचा आप लोग से थोड़ी सी बातें कर लूँ। और अभी मैं रेडी नहीं हुई हूँ, कंघी वंघी नहीं की हूँ, कंघी करूँगी, रेडी हो जाऊँगी। रेडी अभी ले चलती हूँ मैं मार्केट। मैं बहुत दिन के बाद मार्केट जा रही हूँ, तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ भी शेयर कर दूँ। थोड़े बहुत सामान लेने थे, उनको मैं लेने जा रही हूँ। तो अभी मैं रेडी होके मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। और इधर ये पढ़ भी रहा है, एक जगह इसको पढ़ते नहीं बनता है, जहाँ मैं जाऊँगी वहीं बीच में टहलता रहता है, पीछे पीछे चल रहा है। बारिश बंद हो गई है, गर्मी भी पड़ रही है, पसीना हो रहा है, आप लोग देख सकते हो पसीना हो रखा है फेस पे। तो मैं रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। आप लोग बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और देखिएगा फिर मैं क्या क्या लाऊंगी, शेयर भी करूंगी आप लोगों के साथ। तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, मिलती हूँ आप लोग से थोड़ी देर में, बने रहिएगा। मैं रेडी होके मिलती हूँ आप लोगों से। मैं मिलती हूँ, कंघी कर लेती हूँ उसके बाद। अभी मैं कर रही थी, उसके बाद वंश परेशान करने लगा, मुझे तैयार करो मुझे तैयार करो। तो सबसे पहले अगर बच्चों को तैयार कर दो ना, तो झंझट ख़त्म हो जाता, क्योंकि जब कहीं अगर जाना होता तो बच्चे सबसे पहले रेडी हो जाते हैं कि मुझे जाना है। जब तक उनको रेडी ना करो तब तक तो बहुत परेशान करते थे। मैं काम कर रही थी लेकिन वो बहुत बार बार बोल रहा था मुझे करो तैयार मुझे करो। तो मैंने सोचा चलो पहले मैं इसको ही रेडी कर देती हूँ। तो बस कंघी करके मैं इसको रेडी कर दी थी, बाकी बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई थी। कंघी भी मैं ठीक से नहीं कर पाई थी, बस सिंदूर लगा ली थी। उसके बाद मैंने सोचा चलो पहले इसको रेडी ही कर देती हूँ, नहीं तो बार बार परेशान करेगा। सबके साथ ऐसे होता होगा कि अगर कहीं जाओ बच्चे सुन लेते हैं तो वो जिद करने लगते हैं, उनको रेडी कर दो, तैयार होकर खेलते रहते हैं तो वो उनको मतलब कि संतोष रहता है कि हाँ मैं रेडी हो गया हूँ। जब तक उनको ना तैयार करो, खुद रेडी होते रहो, तब तक तो वो बिल्कुल भी चैन से बैठ नहीं सकते हैं। ये देखिए पीछे लिख भी रहा था, तो बस बड़बड़ाया जा रहा था मुझे करो तैयार मुझे करो। मैंने सोचा लाओ इसको ही मैं कर देती हूँ पहले। तो मैंने सिर्फ बाल को मोड़ लिया था, फिर मैंने सोचा इसको रेडी कर देती हूँ उसके बाद मैं करती हूँ। तो इसको मैं यहाँ पर रेडी कर रही थी, रेडी हो रहा था तो बहुत खुश हो रहा था। एक्चुअली हम लोग बहुत दिन के बाद मार्केट जा रहे थे, मैंने बाद में वॉइस ओवर किया था, म्यूट कर दिया था, आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो 2-3 महीने हो गए, 3 महीने तो हो ही गए, आई थिंक मैं मार्च में ही गई थी, उसके बाद मैं आज जा रही हूँ। जब से लॉकडाउन लगा उसके बाद से मार्केट भी बंद, फिर बाहर ही नहीं निकले, 2-3 महीने हो गया था। तो आज बहुत दिनों के बाद जा रही हूँ, और मार्केट जाने के बाद वापस आने से बाप रे इतना ज़्यादा हाथ पैर दर्द हो रहा था। फर्स्ट टाइम गई मतलब पैदल, इतना पैदल भी जाती थी लेकिन 3-4 महीने बाद मैं निकली ना तो पैदल गई थी, और धूप भी था तो बहुत ज़्यादा पैर हाथ दर्द कर रहा था। लग रहा था कि हरारत टाइप का हो गया है, बीमार हो जाऊंगी मैं, ऐसे लग रहा था। पैदल मैं इतना चलती नहीं हूँ, चलती हूँ लेकिन कंटिन्यू चलो तो फिर कोई दिक्कत नहीं होता है, कंटिन्यू ना चलो तब फिर दिक्कत हो जाता है। मैं तो वैसे भी नहीं निकलती कहीं भी, छत पे भी जल्दी नहीं जाती हूँ। तो काफ़ी दिनों के बाद गई थी, वंश को तो नहीं पता चला, वो उसको तो अच्छा लग रहा था, बट मेरे तो हालत ख़राब हो गई। एक तो गर्मी भी थी, ऊपर से उतनी दूर जाना फिर आना, आके मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं। उसके बाद मैं सामान का भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या लिया है, अलग से उसका वीडियो मैं डालूँगी, क्योंकि इसमें वीडियो डालती तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता वीडियो, इसलिए मैंने इसमें नहीं ऐड किया सामान को क्या क्या ख़रीदा है मैंने। तो आने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मैं खाना वंश को खिला दी थी, मैं तो खुद भी नहीं खाई थी, इसको खिला के फिर मैं तुरंत सो गई थी। सो गई उसके बाद भी बहुत ज़्यादा हाथ पैर दर्द हो रहा था, फिर शाम को उठी थी 5 बजे, 5 से या 5:30 बजे उठी थी मैं। तो वंश को मैंने रेडी कर दिया है, यहाँ पर मैं रेडी हो रही, मैं मेकअप कुछ भी ज़्यादा नहीं करती हूँ, बिल्कुल सिंपल सा मेरा मेकअप रहता है, बस की क्रीम लगा लेती हूँ फेयर लवली, और सिंदूर लगा लिया मैंने, आप लोगों ने देखा। ये लिपस्टिक है, कलर स्क्रीन्स की लिपस्टिक है, बहुत ही अच्छी है, वाटर प्रूफ लिपस्टिक है, ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट है, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। सिर्फ और सिर्फ मैं फेयर लवली यूज करती हूँ, उसके अलावा कभी मैंने कोई भी क्रीम नहीं लगाया। हाँ अगर पार्टी वगैरह होती है तो मेकअप तो लाजमी है, करना ही है फिर रात में। तो अभी वैसे मैं मार्केट वगैरह जाती हूँ तो ज़्यादा कुछ भी नहीं, सिर्फ सिंपल सा ये बस लिपस्टिक लगा लिया मैंने और क्रीम लगा लिया, हो गया।
तो देख लिपस्टिक मेरी कैसी लग रही है, अच्छी लग रही होगी आई थिंक, मुझे रेड कलर बहुत पसंद है। तो हो गई रेडी, मैं अभी वंस बैठा था, इसको चश्मा चाहिए, चश्मा के लिए बोल रहा था, मम्मा चश्मा पहनूंगा चश्मा पहनूंगा, मैंने बोला रुक जाओ, इनको बाहर जाना होता तो इनका हर चीज़ परफेक्ट होना चाहिए, तो वही इनका मैं निकाल रही थी। मैंने नहीं सोचा था यार कि मैं इतना ज़्यादा थक जाऊंगी। काफ़ी दिन के बाद गई तो ठीक ठाक, कुछ दिक्कत नहीं था, लेकिन हाँ थोड़ा थक गई थी मैं, ज़्यादा ही थक गई थी। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। यहाँ पर अब देखिए मैं रेडी हो गई हूँ, मास्क लगा ले रही हूँ मैं भी, क्योंकि अभी बिना मास्क के निकलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी मास्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग भी जब भी बाहर जाएँ तो मास्क लगा के जाएँ, तो अपने से सेफ्टी अपना करिए, क्योंकि अभी का तो माहौल बहुत ही ख़राब है। तो हो गया है मेरा, अभी मैं एकदम रेडी हो गई हूँ, तो अब मैं निकल रही हूँ, भाभी भी रेडी हो गई हैं, भाभी के साथ जाऊँगी, भाभी को भी दिखाती हूँ, अभी मैं मिलवाती हूँ भाभी, मतलब मैं जहाँ रहती हूँ वो भाभी हैं, बहुत अच्छी हैं, तो हम दोनों लोग ही जा रहे हैं। दोपहर में 11 या 11:30 12 बजे हम लोग निकले थे, तो बस रेडी हो गए हैं, ये निकल रहे हैं, ये हैं भाभी, और हाय बोल रही हैं, आप लोग भी हाय कर लो भाभी से। तो हम लोग वंस को भी देख लीजिए, पहुंच गए थे हम लोग शॉप पे, तो ये कपड़े की शॉप थी, तो यहाँ पर हम लोग आ गए शॉप पे, और क्या क्या लिया है वो बाद में तो आप लोग के साथ शेयर करूँगी मैं। नाइटी भी देख रहे थे हम लोग, भाभी को लेना था नाइटी, बट ज़्यादा पसंद नहीं आया तो नहीं ली थी। दुपट्टा वगैरह भी बहुत सुंदर सुंदर रखते हैं ये दुपट्टा। नाइटी वगैरह देख रहे थे कॉटन की, तो वंस भी यहाँ पे देखिए खड़ा हो रहा थे, तो बोर हो रहा था, इसको तो बस गाड़ी वाली की दुकान पे बिठा दो, गाड़ी देखता रहेगा, ये ले लो वो ले लो। तो इसको तो मैं लेके ही नहीं जाने वाली थी, लेकिन वो रुकता नहीं है ना, इसलिए मेरे साथ चला गया। नाइटी वगैरह बहुत सारी दिखाई थी, बट नाइटी नहीं पसंद आई थी, मैं तो पहनती नहीं हूँ नाइटी, भाभी अपने लिए देख रही थी, तो उनको भी नहीं पसंद आई थी, नहीं ली थी। तो वो हो गया था यहाँ पे, अब आ गए थे हम लोग दूसरी शॉप पे, दूसरी जगह शॉप पे आ गए थे। यहाँ पर हम लोगों ने खरीदे थे, इयररिंग लिया था मैंने, भाभी ने चूड़ी लिया था, लिपस्टिक वगैरह देखिए, जो जो भी लिया मैंने फ़िलहाल शेयर करूँगी मैं आपको, अभी क्या बताऊँ, आप लोग भी देखिए और इन्जॉय करिए। बैंगल्स वगैरह बहुत सुंदर सुंदर थे, लेकिन अभी तो बैंगल्स वगैरह लेने का भैया बोल रहे थे ले लीजिए ले लीजिए, बहुत सुंदर सुंदर था, लेकिन अभी तो कहीं ना जाना है ना आना है, तो फिर अभी जितना रखा है वो ही नहीं पहन पा रहा है कोई, तो फिर इसलिए मैंने नहीं लिया, कि जब शादी वगैरह रहती है कुछ फंक्शन वगैरह रहता है तो अच्छा लगता है कि ले लो पहनना है, अभी तो ले के सिर्फ रखने से क्या मतलब है, तो नहीं लिया था मैंने, वंस पोर हो गया था। तो ये देखिए बैंगल्स वगैरह रेगुलर यूज के, ऐसे रेगुलर यूज के लिए मैंने रखा भी है, कई सारा रखा है, बट मैं जल्दी चेंज नहीं करती हूँ, एक बार अगर पहन ली तो पड़ा ही रह जाता है मेरे हाथ में। ये स्टोन वाला था, एक दो और था उसको मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई, बहुत ही प्यारा था, बट वही है कि पहनना नहीं है इसलिए नहीं लिया। ये भी बहुत अच्छा लग रहा था, 4 पीस वाला था, चूड़ी के आगे पीछे पहनो तो अच्छा लगता है। ये वेलवेट का था, ये तो बहुत सुंदर लग रहा था। हो गई थी हमारी शॉपिंग, चलते हैं घर। अब क्लचर वगैरह था, ये सब जो भी था मैंने ले लिया था। इयररिंग आपको दिखाती हूँ, इयररिंग बहुत अच्छी अच्छी थी, इयररिंग मैंने एक लिया भी था मेरे ड्रेस के मैचिंग का, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा था यार, प्राइस भी इसकी ठीक ठाक थी, 300 थी, 330 बोल रहे थे, कम में देते। एक लिया मैंने इयररिंग, ये वाइट कलर की थी, ये तो बहुत ही अच्छी लग रही थी। और
एक ब्लैक कलर की है, दिखाती हूँ आप लोग बताइएगा आप लोग को कौन सी ईयरिंग अच्छी लगी। ये वाली भी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन मैंने एक लिया। मेरे अभी मैं आ गई, इस गर्मी की बहुत तेज धूप था। अपनी वीडियो को एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।